ओके गाइस, तो ये आज के दिन का पहला वीडियो है। अगर आपने आज से पहले इस चैनल को कभी नहीं देखा था तो यार एक चीज करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करके डेफिनेटली ऑल पे सेट कर देना। एंड बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो जा करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और कुछ सीख भी सकते हो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई डाउट है, जस्ट आप कमेंट कर देना एंड बता देना हमें कि यार मुझे ये स्टॉक में ये डाउट है, मुझे इसके बारे में फंडामेंटल जानना है, इसका ये जानना है, वो जानना है, टेक्निकल जानना है, इसका बिजनेस जानना है, या फिर अगर आपका और भी कोई यूनिक डाउट है वो भी चीज़ आप बता सकते हो। स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो ये सब काम होते हैं ना, लाइक्स और सब्सक्राइब वाले काम, ये पहले ही करके रख लो, है ना। तो इनका कमेंट क्या है मैं सबसे पहले आपको दिखा देना चाहूंगा। इन्होंने लिखा हुआ है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रेणुका सुगर, मतलब रेणुका सुगर के बारे में इनको जानना है और इसका फ्यूचर क्या है इसके बारे में इनको जानना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ श्री रेणुका सुगर्स, ये स्टॉक का नाम है। स्टॉक का मार्केट कैप 11,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। अगेन, पहली बात तो ये कि कोई रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है, प्योरली जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस का है। कोई भी कॉल टिप रिकमेंडेशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड नहीं करता हूँ। अब ये जो वीडियो है ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा एजुकेशनल पर्पस की तरफ ही रखूंगा, मतलब एजुकेशनल व्यू पॉइंट में थोड़ा रखूंगा, थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना वीडियो को एंड तक। आई डोंट नो वीडियो कितना लंबा होगा, ज़्यादा लंबा होना नहीं चाहिए, बट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे, मान लो आप इसी स्क्रीनर को यूज कर रहे हो, ठीक है, मैं फिलहाल इसी को यूज करता हूँ तो मैं इसी को बता रहा हूँ। स्क्रीनर आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे जो है आपने सर्च किया श्री रेणुका सुगर्स, ठीक है, ये आपके सामने आ गया रेणुका सुगर। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मतलब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी लॉस कर रही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ऐसे मतलब देख करके आपको समझ जाना चाहिए, कंपनी लॉस कर रही है। बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू नेगेटिव में है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है वैसे। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आरओई नहीं है, मतलब यहाँ पे आरओई नहीं है, इसका मतलब क्या कि लॉस तो हो रहा है, ये तो कंफर्म है। आप सीधा समझ लो ना, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पीई रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, अगर अर्निंग्स ही नहीं है, ठीक है, तो आप प्राइस को डिवाइड किससे करोगे, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली यार अर्निंग्स चाहिए ना कुछ तो डिवाइड करने के लिए, तो आप निकालोगे कैसे। तो इसी वजह से जो है पीई रेशियो यहाँ पे नहीं है, कंपनी लॉस कर रही है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि लॉस कर रही है मतलब कंपनी खराब ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें आगे देखना होता है, ठीक है। कैसे देखना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ। मैं क्वार्टर्स को नहीं देख रहा हूँ क्योंकि यार क्वार्टर्स में लॉस ही है, और सेल्स इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, लॉस भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एंड ईपीएस भी जो है ज्यादा गिरा है, मतलब डिक्री लॉस हुआ है ना, लॉस बड़ा इंक्रीज हुआ है लॉस। तो ऑब्वियसली क्वार्टर्स तो सेल्स के हिसाब से अच्छा है, प्रॉफिट्स के हिसाब से अच्छे नहीं है, ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब रीजन क्या है इस चीज का, बताएंगे आगे, बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं सेल्स। अगर आप देखोगे मार्च 2012 में जो है कंपनी सेल्स करती थी 12,000 करोड़ का, उसके बाद क्या हुआ, 10,000 हो गया, कोई बात नहीं, फिर 11 हुआ, फिर 10 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 9.8 है, मतलब लगभग 10 है, उसके बाद फिर 11 है, मतलब 2017 तक, बात को सुनना, 2017, 2012 से 2017, 6 साल कंपनी अराउंड 10 से 12 हजार करोड़ के बीच का सेल्स करती थी। बहुत अच्छा सेल्स करती थी, ग्रोथ नहीं दिखाती थी, एकदम ही एक ही जगह पे फंसी हुई थी, लेकिन हाँ 10-12 हजार करोड़ का सेल्स करती थी। उसके बाद क्या हुआ, सेल्स का नंबर ड्रॉप हुआ, 10,000 से 6,000, 4,000, 4,000, 5,000, 6,000, अब जो है 5,000, 6,000, अब हुआ है 9,000, मतलब अब जो है थोड़ा सेल्स इंक्रीज हो रहा है, लास्ट के 3 साल से सेल्स में थोड़ा इंक्रीमेंट है, थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट पे आते हैं, कंपनी जो है यहाँ पे जब 10-11 हजार के आसपास जब फंसी हुई थी तब कंपनी बहुत लॉसेस करती थी, बहुत बड़े बड़े लॉसेस करती थी, मतलब 1400 करोड़, 1800 करोड़, 1800 करोड़, 1100 करोड़, 2200 करोड़, 2000 करोड़, इतने इतने करोड़ के कंपनी लॉस करती थी बस, तो बहुत बड़े लॉस है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आया, 2000 करोड़ का, 2000 करोड़ का प्रॉफिट आया। अब वो कहाँ से आया, अगेन वही अदर इनकम एक्सेप्शनल आइटम्स ही होंगे और क्या ही होगा, हाँ तो अदर, अच्छा अदर इनकम नॉर्मल से आया, एक्सेप्शनल आइटम से थोड़ा आया था, अदर इनकम नॉर्मल से ज्यादा आया। तो यहाँ पे जो है इस वजह से अदर इनकम नॉर्मल जो आया था उस वजह से जो है ओवरऑल ये जो है प्रॉफिट में आ गया, और प्रॉफिट में कितना आ गया यहाँ पे आप देख सकते हो, 1950, मतलब लगभग 2000 करोड़ का प्रॉफिट, वो भी नेट प्रॉफिट। अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 60 करोड़ का था, लॉस ही होने वाला था, कोई ही बचा सकता था इसको लॉस होने से, लेकिन हाँ किसने बचाया, अदर इनकम नॉर्मल ने बचा लिया, ठीक है। तो क्या ये हर बार बचाएगा, बिल्कुल नहीं, इतना हर बार तो होने नहीं वाला है। हाँ कब हो सकता है, जब अचानक से ना हो, मतलब धीरे 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 बढ़े ना, ऐसा एक बार में अगर
आप खुद ही सोचो यार, जहां से आपको अर्निंग हो रही है, मान लो कोई एक चीज है वहां से आपको अर्निंग हो रही है दिन के 200-300 रुपए की, अचानक से वो आपको दिन के 25,000 दे दे, तो आप समझ जाओगे ना यार ये हर दिन थोड़ी होने वाला है, एक दिन हो गया गलती से हो गया, वो बात है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है अगेन कंपनी लॉस में आई, बट यहाँ पे एक चीज अलग हुई कि लॉस यहाँ पे कम हो गया, मतलब कंपनी जो पहले लॉस करती थी लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का, वो अब लॉस करने लगी 200 करोड़ के आसपास का, 150-200 करोड़ के आसपास का लॉस होने लगा, लॉस है बट कम लॉस है। उसके पीछे का क्या रीजन है, मतलब हाँ कंपनी ने कुछ चेंज किया होगा, कंपनी ने पहले सेल्स को डाउन किया, कंपनी ने पहले ग्रोथ पे फोकस नहीं किया, पहले ऐसे भी ग्रोथ हो नहीं रहा था, 2017 के बाद कंपनी ने सेल्स को डाउन किया, उसके बाद जो है कंपनी थोड़ी प्रॉफिटेबली मार्जिन निकाला कंपनी ने, उसके बाद जो है आप पूछोगे तो अब क्यों लॉस हो रहा है, मतलब ठीक है यार कंपनी ने, अब देखोगे अगर इन नंबर्स को देखोगे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है नेट नेट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉस ही चल रहा था, है ना, ये अगर आप देखोगे मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देख रहे हो तो भी वहां पे यही हाल है, तो वो चीज यहाँ पे चेंज हुआ। उसके बाद जो यहाँ पे सब नॉर्मल हो गया, अगर आप देखोगे अदर इनकम भी इनका बहुत ज्यादा ज्यादा आता था, कभी कभी बहुत ज्यादा लॉस भी आता था, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट भी आया था बीच में, तो ये भी होता था, तो इन सब को इन्होंने खत्म कर दिया, अदर इनकम बहुत कम हो गया, धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, लेकिन हाँ इन्होंने मार्जिन निकाला, ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने 6-7-10% के आसपास का मार्जिन इन्होंने निकाला, और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लगातार इनका पॉजिटिव होने लगा, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट वो लॉस में क्यों जा रहा है, इसका रीजन है यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है दोनों ही है, मतलब ऐसा कोई एक नहीं है, दोनों है इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे आप बताओ यार डेप्रिसिएशन तो यार वो तो हर कंपनी में होता है, यहाँ पे क्या चीज़ है, हाँ डेप्रिसिएशन में मैं कुछ नहीं कह रहा, डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल सी चीज़ है, वो तो होगा ही, बट आप किसे कंट्रोल कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट किस चीज़ से आता है, इंटरेस्ट यहाँ पे लोन आपने जो दिया हुआ है उसका इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 400 500 600 से भी ज़्यादा, कभी कभी तो 700 करोड़ के आसपास के भी यहाँ पे जो है इंटरेस्ट आ रहे हैं, एंड इसके वजह से ओवरऑल जो है नेट प्रॉफिट वो नेगेटिव में जा रहा है। अब इसका मतलब क्या प्रॉब्लम बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में कहाँ प्रॉब्लम है बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा आप वेट कर लो। सबसे पहले यहाँ पे ग्रोथ पे आते हैं, सेल्स ग्रोथ देख सकते हो 5 साल का 8% कम है, 3 साल का 23%, TTM का 24%, काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ग्रोथ तो है नहीं, आरओई के बारे में सॉरी स्टॉक प्राइस सीएजीआर के बारे में बात करते नहीं है, और आरओई यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, अब क्यों नहीं लिखा हुआ यार, लॉस है तब क्या ही लिखा हुआ रहेगा। खैर तो यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई नहीं है और प्रॉफिट ग्रोथ है नहीं तो उसके बारे में बात करेंगे नहीं, सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, तो देखो यार कंपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है 2020 के बाद से, कंपनी जो है अपने सेल्स को भी धीरे धीरे अब इंक्रीज कर रही है, एंड सेल्स इंक्रीज करने के साथ साथ यहाँ पे जो है प्रॉफिट्स भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी धीरे धीरे बहुत ही धीरे, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बहुत ही धीरे जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हाँ नेट प्रॉफिट जो है वो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, वो अभी भी लॉस में है, इनफैक्ट जो है लॉस भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है देखने के लिए, तो यहाँ पे ओवरऑल तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। एंड यहाँ पे रिजर्व अगर आप देखोगे, पहले रिजर्व पॉजिटिव था, उसके बाद जो है रिजर्व नेगेटिव हुआ, अब जो है रिजर्व फिर से ज्यादा नेगेटिव हो गया था, और अभी जो है रिजर्व अराउंड 1100 करोड़ माइनस में है, 1100 करोड़ माइनस में रिजर्व है, विच इज नॉट गुड। अगेन वही बात है, रिजर्व को आप नेगेटिव रखोगे तो अच्छी बात तो ये बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात क्या, यहाँ पे बोरिंग्स जो है काफी ज्यादा है, मतलब बीच में यहाँ पे बोरिंग्स कम हुई थी कंपनी की, बट फिर पता नहीं कंपनी ने बोरिंग्स बढ़ा लिया, और पहले तो बहुत ज्यादा था, 10,000 करोड़ के आसपास था, फिर इन्होंने 10,000 के आसपास 9,000 हुआ, फिर इन्होंने जो है कम करके 2,000 तक कर दिया था, उसके बाद फिर यहाँ पे लगातार बोरिंग इंक्रीज हो रही है, और अब यहाँ पे मेन बात आती है कि क्या है, मतलब मेन बात यहाँ पे आती है समझना दो चीज, पहली बात तो ये कि अगर लगातार बोरिंग इंक्रीज हुई तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, प्रॉब्लम आएगा इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट बढ़ेगा क्योंकि बोरिंग आपको फ्री में तो मिलेगा नहीं, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर आप नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो लॉस भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आप सेल्स इंक्रीज कर रहे हो बट आप लॉस भी इंक्रीज कर रहे हो, आरओई निकाल नहीं रहे हो, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कर रहे हो आपका मार्जिन भी ज्यादा स्टेबल नहीं है, 6-7% का मार्जिन आता है, आपने 10% निकाला था, 10% टिका नहीं, 6-7% का मार्जिन है, उसमें भी जो है आपका अगर इंटरेस्ट ही, आपने जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया उतना आपका इंटरेस्ट ही आ जा रहा है और डेप्रिसिएशन अलग है, तो इस केस में तो यार मामला थोड़ा गड़बड़ बैठेगा और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट वो नेगेटिव में जाएगा, और आप सिंपल है यार, सिंपल लॉजिक है, अगर यहाँ पे बोरिंग इंक्रीज होगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी नेट लॉस में जा रही है, तो इसी वजह से प्रॉब्लम इसके बैलेंस शीट में है, और यहाँ पे जो है रिजर्व्स नेगेटिव हो चुके हैं, बोरिंग्स जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है, एंड ये भी अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग तो आप देखोगे तो यहाँ पे
लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो 3,000 करोड़ है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है वो 2,400 करोड़ है। मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ा कम है लॉन्ग टर्म बोरिंग से, जनरली इसका उल्टा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो कम होना चाहिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग ज्यादा होना चाहिए। और अगर आप देखोगे इन्होंने दोनों ही इंक्रीज किया हुआ है, इनका जो है शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 200 करोड़ हो गया था जो बढ़ करके अभी ढाई 2,500 करोड़ के आसपास ये जा चुका है, और लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है ये भी अराउंड 2,000 करोड़ पे आ चुका था जो अभी 3,000 करोड़ पे जा चुका है बढ़ते बढ़ते। इनफैक्ट 1,800 करोड़ पे भी आ चुका था, 1,800-1,900 करोड़ उससे बढ़ करके 3,000 करोड़ पे जा चुका है। तो बोरिंग्स कंपनी इंक्रीज कर रही है और मेरे हिसाब से ये सही नहीं हो रहा है। और मैं कहता हूँ ना कि यार बोरिंग्स गलत नहीं है, बट अगर बोरिंग्स आपको दिक्कत कर रही है तो वो गलत है। एंड ये बोरिंग्स मुझे लग रहा है कि ये कंपनी को दिक्कत कर रही है थोड़ी सी, एंड CWIP कुछ ना कुछ चल रहा है। इन्वेस्टर्स में देखोगे तो इन्वेस्टर्स में ठीक है, प्रमोटर्स के पास 62% है, परफेक्टली फाइन। FIIs के पास जो है अराउंड 2% या 3% आप कह सकते हो। DIIs के पास अराउंड 10% है, पहले इनके पास 20-21% हुआ करता था, अभी 10% है, तो ये एक नेगेटिव बात है। पब्लिक के पास जो है 24% है, एंड वो पूरे रिटेल इन्वेस्टर के पास ही है 24%। ओवरऑल प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग या पूरा ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे अच्छा लगा, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मुझे। और यहाँ पे जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है एक मतलब सेकेंडरी चीज़ है। एक आप शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर बहुत अच्छा रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे लगा दो जा करके, आपको बहुत चीज़ें देखनी होती है। तो मैंने आपको बता दिया इसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, दो मुझे बहुत बड़े नेगेटिव पॉइंट लगे। पहला तो यार यहाँ पे बोरिंग्स बहुत प्रॉब्लमेटिक है, रिजर्व जो है नेगेटिव हो चुके हैं, यहाँ पे कंपनी जो है कोशिश कर रही है कि हम प्रॉफिटेबल हो जाए, वो कोशिश दिख भी रहा है कहीं ना कहीं, बट हाँ वो कोशिश काम नहीं आ रहा बिकॉज इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। कंपनी ने लोन कम कम भी कर लिया था बट फिर से बढ़ा रही है, तो प्रॉब्लमेटिक मुझे सिनेरियो लग रहा है अभी तो मुझे। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी जो है थोड़ी सी ऊपर गई है, अब ये क्यों ऊपर गई है, यहाँ पे ड्रॉप आया था, क्यों ड्रॉप आया था, सबका रीजन है और आपको मतलब समझ में भी आ गया होगा। मैंने आपको बताया था जो है सेल्स वो बहुत गिर गया था यहाँ पे, और इसी वजह से यहाँ पे ड्रॉप आया हुआ है। आप देख लो ड्रॉप जो है 2010 में तो आया था लेकिन 2011 में फिर से स्टार्ट हुआ, तो अगर आप देखोगे 2010 11 12 कहाँ गया, तो 2000 ये क्या है, हाँ तो 2010 11 का तो डेटा नहीं है, 12 में अगर आप देखोगे तो 12 13 14 15 में सेल्स जो है 16 तक इनफैक्ट सेल्स लगा सेम था, तो 16 तक इनफैक्ट सेल्स सेम था। उसके बाद जो है क्या हुआ, सेल्स डिक्रीज होने लगा, और उसके बाद जो है फिर 2021 से आप कह सकते हो तेजी आई। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 2021 से स्टॉक भी भागना स्टार्ट हो चुका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल्स इंक्रीज होने लगा था। लेकिन सवाल वही है कि क्या सेल्स इंक्रीज होने पे सब कुछ हो जाएगा, तो जवाब मुझे तो लगता है नो होगा इसका, कि सेल्स इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा। हाँ सेल्स इंक्रीज करने से होगा, लेकिन उसके साथ भी आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आप सेल्स करोगे और लॉस में बैठे रहोगे ऐसा भी नहीं होगा। और ठीक है वैसे तो मतलब सेल्स के हिसाब से कंपनी फिर भी ठीक कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक ठीक कर रही है, उसके आगे जो है जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट में जो है कंपनी गड़बड़ कर रही है, तो जब तक वो चीज़ सॉल्व नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता स्टॉक में कुछ होगा। और अगेन वही चीज़ है, ग्रोथ एक एक्सटेंड तक चलेगा, एंड मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि ग्रोथ चलता रहेगा चलता रहेगा, कंपनी कितना लॉस फेस करेगी, ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड पैसा है आप लॉस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम पे कंपनी जो है लॉस अब नहीं कर पाएगी। कंपनी जैसे ही ग्रोथ रोकेगी, ठीक है ग्रोथ करने के लिए ऑब्वियसली आपको ज्यादा मतलब सामान बेचना होगा, या फिर आप समझ रहे हो ना ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, सेल्स ग्रोथ करने के लिए आपको ज्यादा रेवेन्यू करना होगा, रेवेन्यू मतलब मार्केट शेयर एक्वायर करना होगा, ये सब करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, और आप ऊपर से आप सब कुछ करके लॉस ही कर रहे हो, तो जैसे आपका ग्रोथ रुकेगा वैसे स्टॉक गिरेगा, और ये श्योर बात है। स्टॉक अभी तो क्यों बढ़ रहा है पता है, अभी स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, जैसे मैंने कहा स्टॉक बढ़ रहा है रेवेन्यू की वजह से, स्टॉक बढ़ रहा है मतलब सिंपल समझो, स्टॉक अभी सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू को देख रहा है, जिस दिन ये रेवेन्यू रुका स्टॉक उसके बाद आगे देखेगा कि और क्या है इसमें बढ़ने के लिए, और उसके बाद स्टॉक को प्रॉब्लम दिखेगा, स्टॉक करेक्ट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो यही चीज है, ग्रोथ जब तक है तब तक स्टॉक को कुछ नहीं होने वाला है, जैसे ग्रोथ रुका कहानी रुक जाएगी या फिर नीचे भी आ सकती है। अगेन यार कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और अगर आपको कोई और डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, किसी और स्टॉक से रिलेटेड डाउट है कमेंट कर सकते हो। एंड करते हैं वीडियो को, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कुछ कर देना, और अगर आपने कर दिया है पहले से बहुत अच्छी बात है, और एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।